पुलिस नैब और जो सरकारी इदारे हैं जिसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम करें स्पेशली सिटीज़न इंगेजमेंट पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आवाम के अंदर और इन महकमों के अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम करें बहुत अच्छा काम करें खिदमत का काम करें एक ट्रस्ट और एतमाद का रिश्ता जो है वो बेहतर पनपता है। इसमें बहुत सी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ज़ाहिर है इसमें पब्लिक हियरिंग्स भी होती हैं, अपनी डिजिटल इंगेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की ज़रूरत है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर करके यूथ को इंगेज किया जा सकता है। और जो भी ऐसे तबकात हैं आवाम के अंदर जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ख़वातीन हैं, डेली वेजर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फेथ लीडर्स हैं और आवाम के बहुत मतवासित तबके हैं, गरीब लोग हैं, उनको इंगेज करना बहरहाल रियासत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम एक ऐसी मजबूत रियासत जो आवाम की फलाह पे मबनी हो, जो बेसिक पिलर जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़िम्मेदारी लगाई तमाम हुकूमतों के लिए, बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी खुश हो, वो उसकी लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी, उसका फेथ वो प्रोटेक्टेड हो और बिलखसूस जो गरीब लोग हैं उसके लिए और उनकी बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर सकें, उनके कोई इंसाफ मिले, उनके ख़िलाफ़ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो आई थिंक ये सिटीज़न इंगेजमेंट का प्रोग्राम बहरहाल बहुत ज़्यादा डिसाइसिव अहमियत रखता है इस वक्त जब रियासत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। और इसमें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अकाउंटेबिलिटी लैब को, पाकिस्तान पुलिस अकेडमी को, जिन्होंने ये बैठक ऑर्गेनाइज़ की और इन तमाम सरकारी महकमों के लिए इतनी उम्दा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग का इनेकाद किया।